तो गाइस यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो गया है और मैं ब्रेकफास्ट के लिए तैयार हो रही हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाली हूँ और प्याज डाली हूँ और गाइस यहाँ पे परवल कट की हूँ, तो इसे फ्राई करूँगी प्याज के साथ। तो आज जो मैं बनाऊँगी आलू परवल की सब्जी एंड रोटी अभी बनाऊँगी, फिर दोपहर के टाइम में दाल बनाऊँगी। अभी मैं पालक का वेट कर रही हूँ कि पालक वाला आएगा सब्जी वाला, तो पालक खरीदूँगी और उसके बाद दाल बनाऊँगी। और आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप लोग को आवाज़ से लग रहा होगा क्योंकि हाफ से चढ़ रही है, क्योंकि जुकाम की वजह से नाक दोनों बंद और सिर में बहुत ज़्यादा पेन। और अभी टाइम ही बता दूँ आप लोगों को, एट बज के 52 मिनट्स हो गए हैं जब मैं जाकर हिम्मत करके उठी हूँ और चाय पी हूँ। और चाय पीने के बाद अब मैं लगी हूँ खाना बनाने में। इस टाइम मेरे बच्चे का जो है ब्रेकफास्ट हो जाता है, बट आज तबीयत नहीं ठीक रहने की वजह से मैं लेट उठी हूँ और लेट बना रही हूँ अभी। तो चलिए आप लोग ब्लॉग कंटिन्यू कीजिएगा, जैसा भी होता है मैं आप लोग से आगे मिलती हूँ। तो गाइस यहाँ पे आफ्टरनून हो गया है और मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, बट फिर भी मैं हिम्मत करके मतलब कुछ कुछ की हूँ और उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है काम सौम्य की है आज। और मैं बस सौर्य को नहलाई हूँ, संडे को नहलाती हूँ, सौम्या को नहलाई और उसके बाद जितना काम होता है झाड़ू पोछा वगैरह जैसे तैसे बर्तन और किचन क्लीन करना जितना भी उसको समझ में आया है वही की है। और मैं बस कपड़े धोई थोड़ा बहुत, मन भी नहीं, मतलब अजीब सा लगता है ना जब फैला फैला सा घर हो, तो इन लोग जो कपड़ा खोला था, तो मैं कल मशीन लगाई थी सटरडे को, मैं हर रोज़ मशीन नहीं लगाती हूँ, वीक में ओनली एक बार मशीन लगाती हूँ, तो उसे मैं गर्म पानी में धोई सारा। उसके बाद मैं भी बाल धोई, बाल धो के नहा कर मैं बालकनी में बहुत देर से सोई हुई थी, मतलब बिल्कुल पसीना पसीना निकल गया था, बहुत देर से सोई हुई थी और अब आके अंदर सोई हूँ क्योंकि जुखाम की वजह से सिर में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और आईज में भी पेन हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो हैंकी लेकर, क्योंकि जब छींक आ रहा है ना तो ऐसे करके हैंकी लेकर बैठी हूँ। और बस बहुत अजीब लग रहा है, तबीयत ठीक रहता है तो बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत अच्छे तरीके से अपना काम सारा कर लेती हूँ, बट तबीयत ख़राब होता है ना तो बहुत गंदा फील होता है, बहुत गंदा फील, अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी नहीं। बस जैसे तैसे करके खाना बनाई हूँ, खाने में बनाई हूँ आलू परवल की सब्जी जैसे कि देखें या आप लोग, और रोटी बनाई हूँ बस, और अभी दो रोटी खाई हूँ और मन एकदम अकवाकाहट सी लग रही है, सिर में दर्द, तो सौम्या को बोली हूँ चाय बनाने, तो सौम्या वहाँ पे किचन में चाय बना रही है। मुझे ये बीमारी बहुत गंदा लगता है, खांसी जुकाम बहुत गंदा बीमारी लगता है, रात में नींद नहीं ले पाई मैं, नाक जाम हो गया और बहुत अकवाकाहट सा फील हो रहा था तो मैं नींद भी नहीं ले पाई। और बस मैं सोची आप लोग से बातें कर लूँ और छोटा सा क्लिप, आप लोग का कमेंट आने लगता है ना कि दीदी ब्लॉग क्यों नहीं डाले, ब्लॉग क्यों नहीं डाले, तो मैं सोची नहीं खोलने दो पूरा अच्छे से, चाय पत्ती खोल जाएगा तब, हाँ खोलने दो। अदरक घिस के डाल दी, अदरक घिस के डाल दी, दूध कटोरी में होगा, ये नहीं पैकेट होगा, तो अभी मतलब इसे अंदाजा नहीं है, चीनी और चाय पत्ती का अंदाजा नहीं है, जो कि मैं उसको डाल कर दे दी हूँ और खोला रही है, खोला के मुझे छान कर दे देगी। खोल गया अच्छे से, तो थोड़ा सा दूध डाल दो, बहुत भक भक दर्द हो रहा है, हाँ
चलिए तब ये ठीक रहेगा, तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। आह